चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 40 मिली टेस्ला विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट द रेट ऑफ 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड देन द इंड्यूस EMF इन द लूप, ठीक है, एट एन इंस्टेंट वेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, कितना होगा EMF, क्या होता है माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, करेक्ट है। और ये बोल रहा है परपेंडिकुलर है, फील्ड के परपेंडिकुलर है ये सर्कुलर लूप, तो इसका मतलब है ऐसे खड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, यानी थीटा की वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, दोनों का डायरेक्शन सेम है अलोंग द, ठीक है, परपेंडिकुलर करने का मतलब है लूप परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ये पॉइंट याद रखना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, बी इंटू ए कहा जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को, करेक्ट है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एरिया सर्कुलर लूप है तो एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होगी, पाई आर स्क्वायर होगी, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 40 मिली टेस्ला, मिली टेस्ला को टेस्ला में कन्वर्ट कर लो, 40 × 10⁻³ टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 40 × 10⁻³ टेस्ला। अच्छा, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ माइनस डी फाइव बी बाई डी टी और बी इंटू ए, बी जो है वो कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, माइनस बी डी 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 टी ऑफ ए, अब ए की वैल्यू कितनी है पाई आर स्क्वायर, डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस बी, और कॉन्स्टेंट है पी आई इंटू टू आर इंटू डी आर बाई डी टी, ये होगा। तो ई एम एफ की वैल्यू कितनी आ गई, कितना होगा ज़रा देखो ज़रा, माइनस टू पाई बी इंटू आर और डी आर बाई डी टी, ये हो गया। अब यहाँ पर जो 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड है वो रेट ही दिया हुआ है, रेट ऑफ श्रिंकिंग ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू 0.2 mm पर सेकेंड। अब इसको अगर मैं लिख दूँ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ, ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ, करेक्ट है। तो श्रिंकिंग श्रिंक हो रहा है मतलब डी आर की वैल्यू छोटी होती जा रही है, नहीं डी आर बाई डी टी निगेटिव हो जाएगा, श्रिंक होने का मतलब आर छोटा होना, आर फाइनल छोटा हो रहा है तो डी आर की वैल्यू निगेटिव होगी, तो ये माइनस 0.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होगा, ये डी आर बाई डी टी की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ रख दो, माइनस 2 πb × r − −0.2 × 10⁻³ ये हो गया e की वैल्यू। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ EMF इज इक्वल टू प्लस 2 πb × r × 0.2 × 10⁻³। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा, माइनस 3 है, ये 0.2 है, माइनस 4 πb × r 10⁻⁴ ये लिखा जाएगा, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट होगी EMF, करेक्ट है। अब R की वैल्यू क्या लिख रहा है, कितने सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर, R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर R की वैल्यू, R की वैल्यू यहाँ रखा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ EMF इज इक्वल टू 4 πb × 0.01 × 10⁻⁴, ये कितना हो जाएगा 4 πb × 10⁻⁶ EMF की वैल्यू, −6 वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्ट है और माइक्रो वोल्ट में लिख रहा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए 4 πb माइक्रो वोल्ट, हो गया माइक्रो वोल्ट EMF की वैल्यू। अब इसमें B की वैल्यू भी पुट करना है ना, B की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की वैल्यू इतना दिया हुआ है 40 × 10⁻³ 4 πb × 40 × 10⁻³ माइक्रो वोल्ट, कितना हो जाएगा, ये पीछे जा रहा है, इसको मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगा
160 पाई इंटू 10^-3 माइक्रोवोल्ट, इसको ले सकते हैं 10^-3 ना, 0.16 पाई माइक्रोवोल्ट, ये होगा ईएमएफ वैल्यू 0.16 पाई माइक्रोवोल्ट। डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।